जी सर, जी सर। हाँ सर। सर, आपने एक एक चीज शुरू करने से पहले आपने मुझे जो मेल किया था किसी, उसे मैंने डाउनलोड कर रखा है। अभी मैं तो मैं उसे रन करूंगा। हाँ नहीं, मैंने इसलिए किया था क्योंकि आज मैं घर से कर रहा हूँ, तो अगर कहीं नेट कनेक्टिविटी का इशू आया तो फिर जैसा हमने एक बार किया था कि आप वहाँ से अपना साइमल्टेनियसली प्ले करते रहे, और तो मुझे तो लग रहा है कि अभी आवाज़ और ये वीडियो भी क्लियर है, तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर देखते हैं। जी, ठीक है सर। जी सर, तो स्वागत करता हूँ। तो शुभ अपराह्न विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आप पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में। और आज हम लोग वापस राकेश शर्मा सर के साथ जुड़ चुके हैं, जो कुछ विषय जो हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा थोड़ा था जिसे आगे बढ़ाएंगे, और हिंदी के विकास में। जब पिछले कक्षा में जहाँ हम आर्य भाषा के ऊपर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, आज हम लोग आर्य भाषा के विकास में हिंदी कहाँ तक पहुंची है और किन किन चरणों से होती है पहुंची है, हिंदी से फिर कौन सी भारतीय भाषाएं निकली है जिन्हें आप आज और हम अलग अलग विभागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उन्हीं सबों पर चर्चा करने के लिए पुनः एक बार डॉक्टर राकेश शर्मा सर हम सबके समक्ष है। तो मैं सर का स्वागत करता हूँ अपने विश्वविद्यालय की ओर से, आप सभी की ओर से, और अपने हिंदी विभाग की ओर से। और मैं सर से आग्रह करूंगा कि अपने व्याख्यान का आरम्भ करें। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं फिर से सभी अभिषेक सिंह समेत सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ असित पाणिग्राही हैं और वसुंधरा मेहर हैं, देवाशीष बारिक हैं, और भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, रुद्र प्रताप हैं और श्वेता हैं, रश्मि हैं, रश्मि प्रिया, ज्योति, देवाशीष और वसुंधरा, ये सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। और एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, तो हम लोग इसको लेंगे, और मुझे लगता है कि आज की कक्षा में शायद अभिषेक जी भी जो है थोड़ा सा अपना विचार जरूर रखना चाहेंगे बाद में, क्योंकि भाषा के विद्यार्थी हैं और पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं इसी विषय से। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन वो भी करें विद्यार्थियों का। लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आप सभी भी जरूर आज इस पे बड़ा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, और आप सभी भी जो है इस पे अपनी अपनी जिज्ञासाएं जो है उस पे प्रश्न भी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन हो रही है यहाँ पे? ठीक, जी सर, जी सर, शेयर हो रही है, दिखाई दे रहा है। तो आज का जो विषय मुझे ईमेल किया गया था उसका टॉपिक था या शीर्षक जो था वो था संस्कृत से अपभ्रंश तक, और इसमें एक विषय और छूटा हुआ था जो था भारतीय आर्य भाषाएं, जो पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज था कि भारतीय आर्य भाषाओं पर चर्चा हो नहीं पाई थी, और अब हम आर्य भाषाओं पर चर्चा करें या संस्कृत और अपभ्रंश पर चर्चा करें, मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा इसको दोनों को मिला जुला के हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और दोनों ही को कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर संभव हुआ तो हम फिर कभी अगर एक को कक्षा हमको मिलती है तो फिर हम आर्य भाषाओं के ऊपर और उनके विकास के ऊपर अलग अलग से चर्चा करेंगे, अन्यथा हम इस कक्षा में उसको समाहित करने का प्रयास भी करेंगे। तो जो शुरुआत है, जैसा आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, आप सब उड़िया पढ़ते हैं, मतलब मन अपन कर मातृभाषा टाला उड़िया। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी उड़िया भाषा कहाँ से आई है, या आप जो संबलपुरी बोली बोलते हैं वो कहाँ से आई है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और उस पर विचार करेंगे कि हाँ, कि ये भाषा की उत्पत्ति आपके मन में जरूर जिज्ञासा आए। तो जितनी आर्य भाषाएं आज हम देखते हैं वो सारी बेसिकली कहाँ से आई है, वो है संस्कृत से। यानी संस्कृत हम सभी आर्य भाषाओं की जननी है, और उसी से हमारी हिंदी, उड़िया समेत
उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत की यानी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को छोड़ के और तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाओं को छोड़ के जितनी भाषाएं हैं वो सब खास तौर पे संस्कृत से उनका विकास हुआ है। तो ये जो सफर है भाषाओं का वो बड़ा रोचक है, बड़ा रोचक रहा है और बड़ा लंबा सफर रहा है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि भाषा जो है एक ये कोई रुकने वाली चीज नहीं है, ये निरंतर प्रभावमान है, निरंतर आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज भी हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यानी जो जिस परिनिष्ठित में या जिस मानक भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या वो 100 साल के बाद वो भाषा का रूप ऐसा ही रहेगा? नहीं, जरूर बदलेगा। और 200 साल के बाद उस रूप में और भी परिवर्तन आएंगे। और हो सकता है कि मतलब ये कहते हैं कि भाषा वैज्ञानिक की 200 से 300 साल के अंदर भाषा पूरी तरीके से अपना रूप बदल लेती है। यानी आज हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारी 7-8 पीढ़ी के बाद यानी 250-300 साल के बाद जो हिंदी होगी या जो उड़िया होगी या इवन जो अंग्रेजी होगी वो भी पूरी तरीके से वो बदल जाती। तो ये प्रभावमान है। और इस क्रम में हमको ये देखना बड़ा रोचक है कि जो संस्कृत है यानी जो हम मानते हैं कि भाई आज से 2-3 हजार साल पहले जो वैदिक संस्कृत और उसके बाद लौकिक संस्कृत रही और वहां से लेकर के हिंदी, उड़िया, बंगला, पंजाबी, इन भाषाओं का जो सफर रहा, ठीक है, यात्रा रही, वो कैसी रही और इसके क्रम में जो है अपभ्रंश, अवहट, पाली, प्राकृत ये कहाँ आती हैं और कैसे इनका विकास क्रम चलता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। ये देखिए पहला ये था कि मैंने ये लगाया है एक स्लाइड, यहाँ मैंने आपको एकदम थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कैसा इसका विकास क्रम हुआ। ये देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे संस्कृत जो कि माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी। तो आज यहाँ के 2000 साल और पीछे के 1500 साल यानी लगभग 3500 साल पहले इस भाषा की यात्रा शुरू होती है संस्कृत से, ठीक है, ये आपने देखा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके फिर हम आगे देखेंगे दो रूप हुए संस्कृत के, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। उसके बाद जो भाषा आती है वो है पाली, है ना। आज देखिए पाली भाषा कोई इसको बहुत कम जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उन्हीं की भाषा के रूप में ये सिमट गई है, ऐसे मतलब प्रचलन में नहीं है, लेकिन 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक इसका प्रचलन भारत उपमहाद्वीप में, यानी मैं उपमहाद्वीप ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो इसके जो संबंधित ग्रंथ है बौद्ध धर्म से वो हिंदी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और यहाँ तक कि तिब्बत में भी, लद्दाख, तिब्बत, इन सब प्रांतों में पाए गए हैं। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म गया ये भाषा गई। ये हम आगे देखेंगे कि पाली और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है या बौद्ध धर्म है उसका क्या अंतर संबंध है। फिर उसके बाद आती है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी के क्रम में प्राकृत, ठीक है, प्राकृत। तो प्राकृत भाषा ये जन सामान्य की भाषा मानी गई है। और उसके बाद आता है अपभ्रंश का दौर और ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है, इसका दौर माना गया और इसे लोक भाषा कहा गया है। और उसके बाद अपभ्रंश से फिर हिंदी कह लीजिए या जितनी आधुनिक हमारी आर्य भाषाएं हैं वो कह लीजिए उनका विकास शुरू हुआ। समय क्या रहा? 1000 ईस्वी से आज तक, यानी ऐसा नहीं कि विकास क्रम रुक गया, अभी भी वो निरंतर विकास की प्रक्रिया में भाषाएं चल रही हैं। लेकिन अभी जो फॉर्म है भाषा का वो हम मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको इसमें स्पष्ट हो गया होगा कि जो विकास क्रम है वो किस प्रकार चला, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए फिर वो हिंदी में आकर पहुंचता है। आगे देखेंगे कि जो हिंदी भारतीय भाषा परिवार के आधुनिक भाषाओं में से एक है, आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भारतीय भाषा परिवार और उसमें संस्कृत, संस्कृत से फिर हिंदी। और भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम वही मैंने जो वहां दिखाया, यहाँ पे भी मैंने एक आरेख के माध्यम से दिखाया कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है विद्यार्थियों? आप सभी जानते हैं कि हिंदी का जन्म जो है संस्कृत की कोख से हुआ है।
जिसके 3,500 से अधिक वर्षों का इतिहास को अगर हम तीन भागों में विभाजित करें तो हम देखेंगे कि अगर हम पूरा जो इसका हिंदी या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को देखें तो लगभग लगभग इनका जो इतिहास है वो 3,500 साल पुराना है। पहला आता है, पहला जो दौर है इसको हम कह सकते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, जो मैंने यहाँ बताया अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में, कौन सा है ये देखिए, संस्कृत से शुरू होता है तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय आता है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है, यानी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास, ये आज से लगभग 1000 साल पहले शुरू हुआ, यानी 1000 ईस्वी से अब तक ये दौर चल रहा है। ठीक है, तो ये तीन फेज में हम इसको बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो आगे चलते हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसमें जो संस्कृत रही इसके दो रूप रहे, पहला क्या था वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें दोनों में अंतर क्या है, कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर था। वैदिक संस्कृत, जैसा आप सभी जानते हैं कि एक निर्विवाद रूप से हम मानते हैं कि जो ऋग्वेद है, यानी जो हमारे वेद हैं, उनमें से भी सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ हम मानते हैं। तो ऋग्वेद और धर्म संबंधी जो बाकी जितने ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए, या वो जिस संस्कृत के जिस रूप में उसका उनकी रचनाएं हुई और वहां उन धार्मिक ग्रंथों की भाषा तक जो संस्कृत सीमित थी उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरे ग्रंथ, यानी जो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये सब आ जाते हैं वैदिक संस्कृत के तहत। लेकिन उसके अलावा जो आयुर्वेद के, ज्योतिष के, साहित्य के जो ग्रंथ लिखे गए वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। ठीक है, तो ये दोनों में वैदिक और लौकिक संस्कृत में बेसिकली या मूलतः ये अंतर है। 1000 वर्ष के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत के आधार पर निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसा मैंने ये बताया कि पहला जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये वैदिक संस्कृत का, और उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत, यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है वो लौकिक संस्कृत का। तो संपूर्ण पाश्चात्य और पूर्ववर्ती संपूर्ण विद्युत जगत ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ स्वीकार करता है, और सामान्यतः संस्कृत साहित्य में धार्मिक ग्रंथों के बाहुल्य माना गया है। मनुष्य के प्राप्तव्य चार लक्ष्य, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सुंदर समन्वित विकास संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। यानी जो हमारी संस्कृत भाषा है इसमें ये बड़ी ही समृद्ध रही है, इसमें साहित्यिक दृष्टि से इसमें भरपूर साहित्य लिखा गया है। और यहाँ जो दो रूप है, मैं थोड़ा और इनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि वैदिक साहित्य में संहिता, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग आते हैं, जो मैंने यहाँ वैदिक संस्कृत बताया। और लौकिक साहित्य में क्या आता है, काव्य, देखिए जितनी कविताएं और काव्य या काव्य ग्रंथ लिखे गए, काव्य, नाटक, गद्य, कथा, गति तथा चंपू ग्रंथ। चंपू ग्रंथ का मतलब है जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो, चंपू ग्रंथ कहा गया। ठीक है, तो ये भी एक विधा है साहित्य की, ये सब आ जाते हैं लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। संस्कृत साहित्य के इन दो भागों को वैदिक तथा लौकिक भाषा में वर्ण विषय, व्याकरण, छंद आदि की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता है। अगर हम इनमें देखें कि इन दृष्टिकोणों से कि जो विषय है, वर्ण विषय क्या रहा और व्याकरण उसका कैसा है, छंद कैसा रहा, तो इन दोनों दृष्टि से वैदिक और लौकिक संस्कृत में पर्याप्त अंतर आप सभी को दिखाई देगा। या आपके कोर्स की किताब में जो है ये डिटेल्स में है, इसमें आप डिटेल्स में इसमें पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वैदिक संस्कृत दरअसल थी क्या,
और उसका जो भाषागत रूप कैसा था, उसका व्याकरणिक रूप कैसा था, कैसे पाणिनि ने उसको व्याकरणबद्ध किया, ठीक है, और बाद में वो कैसे व्याकरण छंद आदि के नियमों से थोड़ी सी बंधन मुक्त हुई और फिर वो लौकिक रूप में ढल गई, ठीक है। ये पूरा विकास जो है आप यहाँ पे विस्तार में जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को और देखते हैं। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में, उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। नाम से ही मालूम चलता है कि वेदों की रचना हुई है जिनमें, वो वैदिक संस्कृत। और प्राचीनतम रूप संसार की प्रथम कृति ऋग्वेद से प्राप्त होता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो ऋग्वेद है उसे प्राचीनतम कृति माना गया। और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई, हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो वेदों की रचना जिस संस्कृत में हुई, उसके बाद जब ये दूसरे साहित्यिक ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, ये पूरा इनका एक क्रम है और पूरा एक साहित्य है ब्राह्मण ग्रंथों का। और उपनिषद जो है इनका भी एक पूरा बहुत ही समृद्ध जो है साहित्य उपनिषदों में लिखा गया। लेकिन इसकी जो भाषा थी ये हमारी वैदिक संस्कृत से थोड़ी सी हटके है, यानी इसका रूप परिवर्तित हो गया, बदल गया। और संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप नहीं प्राप्त हो पाया। इससे यह अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा वैदिक संस्कृत ही थी, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जो ऋग्वेद है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया, वो हमारा भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व जो समय है वो लौकिक संस्कृत के लिए तय किया गया। दर्शन ग्रंथों के अलावा संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ और इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। जैसे वाल्मीकि, जो महाकवि वाल्मीकि ने जो रचना की, उसके अलावा व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, माघ आदि जो साहित्यकार हुए, इनकी रचनाएं जो है वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ली गई। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृत का स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप को संस्कार किया, व्याकरणबद्ध किया। पाणिनि के नियमीकरण के बाद भी बाद की संस्कृत वैदिक संस्कृत से काफी भिन्न है। प्रेजेंटेशन चल रहा है ना अभिषेक जी? सर बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ, किसी स्टूडेंट ने शेयर कर दिया था, पर आवाज़ आ रहा है सर। अच्छा ठीक, अब ये हो गया लौकिक संस्कृत और पॉइंटर ले लेते हैं। आत्यन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप को संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध किया। पाणिनि के नियमीकरण के बाद संस्कृत वैदिक संस्कृत से काफी भिन्न है, इसे लौकिक या क्लासिकल संस्कृत भी कहा गया। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। इस अंतर को आप पहचानिए कि किस प्रकार जो वैदिक संस्कृत थी उसका स्वरूप अलग था, लेकिन बाद में जो है अलौकिक संस्कृत जो है उसका प्रारूप या स्वरूप थोड़ा सा बदल गया, जैसे कि भाषिक दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से। बाद में जो एक विद्वान का नाम आता है कात्यायन, उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि जो संस्कृत भाषा का स्वरूप बिगड़ रहा है, तो उन्होंने उसको संस्कारबद्ध करने का प्रयास किया। और उसके बाद जो पाणिनि है, पाणिनि का नाम हम हर कोई जानता है कि उन्होंने जो है एक नियमीकरण किया, यानी उसको व्याकरण के सरल नियमों के द्वारा उसको सुसंस्कृत करने का प्रयास पाणिनि ने किया था। और उसका उसकी जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत से काफी भिन्न है, जिसे हम लौकिक या क्लासिकल संस्कृत के रूप में जानते हैं, ठीक है। और रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि जो कुछ भी लिखा गया वो सारा
आज संस्कृत लौकिक संस्कृत में ही लिखा गया। अब संस्कृत काल का अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा तो एक ही रही, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर तीन बोलियां हो गई, पश्चिमोत्तर, मध्य देशीय और पूर्वी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद हम संस्कृत को छोड़ के थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लौकिक संस्कृत के बाद का जो समय है वो एक दूसरी भाषा के रूप में, जो भाषा की अगर हम इसे कहें कि भाषा का प्रवाह जो है अब अपने आप को वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से होते हुए आर्य भाषाओं के प्राचीन रूप में अपने आप को ढाल रहा था। और ये काल कौन सा था, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और यहाँ पे जो जिन भाषाएं यानी जो चेन है या जो पुल है, कौन सी, संस्कृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच में, तो कौन सी इसमें भाषाएं आती है, इसमें पाली आ जाती है और प्राकृत आ जाती है और फिर बाद में अपभ्रंश आती है, ठीक है। और मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ, इस समय भाषा का रूप जो सामने आया उसे हम प्राकृत कहा गया, ठीक है। और ये इस समय क्या हुआ, ये भाषा लोक भाषा का विकास हुआ। इसको आप थोड़ा समझिए कि अब तक जो है क्या होता था, विद्वान जो है लिखते थे और विद्वान ही उसको पढ़ते थे, तो वो जो थी वो परिनिष्ठित भाषा थी और वही लौकिक संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत थी, वो चंद लोगों तक उसको सीमित थी। लेकिन बाद में जो लोग आम बोलचाल की जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसका विकास हुआ और वो भाषा जो वो अपने आप में वो जो बोली थी या जो देसी भाषा थी उसका विकास प्राकृत के रूप में हुआ। वैदिक और लौकिक काल्स में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी हुई थी उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप में हुआ। वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्रकृति संस्कृत को मानकर उससे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति की है। प्रकृति संस्कृत तंत्र भव तथा आगतम व प्राकृतम। पूरा सा डिस्टर्बेंस हुआ इसमें, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद वैदिक और लौकिक संस्कृत काल से जो उसके कारण जो है जो आम बोलचाल की भाषा थी वो दबी पड़ी हुई थी और समय अनुकूल पाकर उसने सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप में हुआ। तो इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझना चाहें तो अब उड़ीसा में जो है हमारी जो भाषा है उड़िया है ना, क्योंकि एक आम बोलचाल की भाषा होती है और एक परिनिष्ठित भाषा होती है। तो जो परिनिष्ठित भाषा है उड़िया है, लेकिन जो बोलियां हैं वो अलग अलग है। जैसे पश्चिम उड़ीसा की बोली, बेटा डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ क्लास चल रही ना, जैसे पश्चिम उड़ीसा की बोली अलग है, दक्षिण उड़ीसा की बोली अलग है, इवन जो दूसरे जिलों में आप जाएंगे तो वहां की जो लोक भाषाएं हैं वो अलग है। अब क्या हुआ, इसको अनुकूल समय मिलने के कारण जो लोक भाषाएं थी वो आगे आ पाई, उनका उनमें उभार आया और वो विकसित हुई। अब हम देखेंगे पाली को, क्योंकि इस क्रम में मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था पहला कि पाली आती है, तो संस्कृत के बाद पाली प्राकृत का जो क्रम क्या था और ये कौन सी भाषाएं थी, ये जरूर आपकी जिज्ञासा होगी, इसलिए मैं सीधे अपभ्रंश पे नहीं आऊंगा बल्कि थोड़ा सा पाली और प्राकृत के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पाली क्या थी, देखिए संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते या कहें सरल होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई, इसे पाली नाम दिया गया। पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा इसे कहा जाता है। मागध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं। पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट मानक रूप प्राप्त होता है। आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई। अब ये पाली जो है ये दरअसल क्या था, संस्कृत जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत से होते हुए ये पहली आम बोलचाल की भाषा के रूप में ये विकसित हुई, ठीक है। और इसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है और भारत की प्रथम देसी भाषा के रूप में भी इसे कहा गया है। और इसके चार रूप हुए, और कौन कौन से रूप है, पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी।
ठीक है, चार रूप हैं इसके अभी ये। और मैं आपको बता दूं कि ये पाली जो शब्द है ये कहां से आया। पाली शब्द के लिए भी आप अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसकी शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये कैसे हुई है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं ये देख रहा था, थोड़ा सा आपको और स्पष्ट कर दूं। पाली में बौद्ध धर्म के थेरवाद अथवा हीन ज्ञान संप्रदाय के धार्मिक साहित्य की रचना मूल रूप से इसमें हुई है पाली भाषा में। और वास्तव में पाली शब्द किसी भाषा का द्योतक नहीं है, बाद में रूढ़ हो गया है भाषा के लिए, लेकिन ये किसी एक भाषा के लिए शब्द नहीं बना था, बल्कि पाली का मतलब है मूल पाठ, मूल पाठ या बुद्ध वचन। मूल पाठ या बुद्ध वचन के लिए पाली का प्रयोग जो बौद्धिस्ट लोग थे वो लोग करते थे। और पंडित विष्णु शेखर भट्टाचार्य ने पाली शब्द को संस्कृत की पंक्ति शब्द से निकला हुआ ये मानते हैं। किससे? पंक्ति से। पंक्ति शब्द जो है वो धीरे धीरे उसमें ध्वनि का परिवर्तन होते हुए क्रम बदलते बदलते पंक्ति से वो पाली हो गया। ठीक है, जबकि मैक्स बालेश्वर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी है। ठीक है, पाटलिपुत्र शब्द से जो है क्योंकि ग्रीक भाषा में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथ पालीबोथ कहा जाता है, तो पालीबोथ्र से जो है पाली शब्द का विकास हुआ। ऐसे कई जो है अवधारणाएं हैं पाली शब्द की उत्पत्ति के बारे में। लेकिन आप ये देख लीजिए कि पाली जो है ये जो समय है इसका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का ये जो समय है, ये इस समय पे जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का उभार और प्रचार पूरे देश में हो रहा था। तो उनके उनके जो धार्मिक विचार थे उनका उनको लिपिबद्ध किया गया किसमें? पाली में। और जहां जहां बौद्ध धर्म गया उनके साथ साथ ये पाली भाषा भी गई। जैसे आज श्रीलंका में बहुत सारे पाली भाषा के ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो उसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, और जैसे बुद्धिस्ट गए तिब्बत में, आज जो चीन के कब्जे में है तिब्बत, तिब्बत गए तो तिब्बत में भी पाली भाषा गई। और इवन भूटान और नेपाल जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहां वहां ये पाली भाषा गई। तो इसे हम कह सकते हैं ये पहली हमारी देशी भाषा है। देशी यानी यहाँ पे देशीय आम बोलचाल की, जो कि सिर्फ विद्वानों तक सीमित नहीं थी, है ना। तो इसके चार रूप माने गए, पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। अब उसके बाद इस क्रम में अगली जो भाषा आती है वो है प्राकृत। और 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक आते आते, अब देखिए समय कितना आगे बढ़ा, यहां आते आते ये बोलचाल की भाषा और भी बदल गई। ठीक है, और इसका नाम दे दिया गया प्राकृत। सामान्य मतानुसार जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी, सहज ही बोली समझी जाती थी, उसे वो स्वभावतः प्राकृत कहलाई। क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, इनमें शोरसेनी, पैसाची, ब्राचवाड, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने इसके भी पांच भेद स्वीकार किए हैं प्राकृत के। पहला शोरसेनी यानी मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा, इस पर संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उसके बाद पैसाची जो सिंध में बोली जाती थी, इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद महाराष्ट्री, विदर्भ और महाराष्ट्र में बोली जाती थी, जिससे फिर आगे चल करके मराठी का विकास हुआ। मागधी जो मगध में बोली जाती थी, इससे आगे चल करके जो आज की बिहारी है, उड़िया है, बंगाली है, इन भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, वैसे अर्धमागधी कौशल प्रदेश की भाषा, और फिर अपभ्रंश जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के समय में इसका विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ। तो पांच भेद भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किए हैं। ये यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पूरा एक भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना, भारत का।
और इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण हर जगह एक जैसी प्राकृत बोली जाए संभव नहीं है। जड़ तो वही थी संस्कृत, संस्कृत से विकसित होकर के पाली प्राकृत चल रही थी, लेकिन भौगोलिक विस्तार के साथ साथ उस भाषा का रूप भी जो है बदल रहा था। इसलिए जो महाराष्ट्र में जो विकसित हुई वो महाराष्ट्री से विकसित हुई, बाद में पैसाची आई, मगध प्रांत में मागधी आई, और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं के रूप में प्राकृत का विकास हुआ। अब ये देखिए क्रम कहाँ पहुंचा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, और अब हम आगे चलेंगे तो अपभ्रंश पे आएंगे और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की स्थिति है। तो अब जब प्राकृत आ गया और प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषा यानी जो मॉडर्न लैंग्वेज आज हम जो प्रयोग में ला रहे हैं उनके बीच में अगर कोई कड़ी है, कोई चेन है या कोई पुल है तो वो क्या है, अपभ्रंश। और कुछ दिनों के बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, किंतु कथित प्राकृत विकसित अथवा परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसे विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश के नाम से किया। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा। तो ये भी थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन जो भाषाओं के जो नाम रखे गए हैं इनमें इन शब्दों का, जैसे संस्कृत, संस्कृत का मतलब क्या है, संस्कृत का मतलब है परिष्कृत, ठीक है, जो जिसे शुद्ध किया गया हो, जो परिष्कृत की गई हो उस वो होती है संस्कृत, ठीक है। वैसे पाली का मैंने आपको बताया कि पाली नाम कैसे किया हुआ, तो अगर अपभ्रंश को देखें तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो क्या आता है, बिगड़ा हुआ रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश, अपभ्रष्ट भी इसे कहा गया है और अपभ्रंश भी इसे कहा गया है, इसका मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा। अपभ्रंश के फिर सात भेद स्वीकार किए गए, फिर वही जैसे प्राकृत के भेद हम देखते हैं वही भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत हम अपभ्रंश के भी सात भेद हम देखते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आ गई, फिर पैसाची में वही लहंदा और पंजाबी आ गई, ब्राचड़ में सिंधी, खस में पहाड़ी, महाराष्ट्री में मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, इनका विकास हुआ। तो ये सात भेद उनको भी आप याद रखिए और इनको पढ़िए। तो जो सौर श्रेणी है उससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, आपकी हरियाणवी, बांगरू, गुजराती, ये सब इनका विकास पश्चिमी सौर श्रेणी से हुआ है। विकास उत्तर भारत में ब्राचड़ जो अपभ्रंश थी उससे सिंधी का विकास हुआ, जो सिंधु प्रांत की भाषा, और खास से पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी यानी आज की तारीख में जो हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में जो हिंदी की बोली के रूप में हम देखते हैं उनको मानते हैं, उन सब भाषाओं का विकास खास से हुआ। और मराठी जो सुविकसित भाषा है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, और मागधी से कौन कौन सी भाषाएं निकली, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ठीक है, इनमें आपस में बहुत सारी समानताएं भी है क्योंकि इनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। फिर उसके बाद अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी में जो आप यहाँ की जो बोलियां देखते हैं जैसे भोजपुरी और अवधी, ये जो बोलियां हैं जिसे हम पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं, वो अर्ध मागधी से इनका विकास हुआ। कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के सौर श्रेणी, मागधी और अर्धमागधी रूपों से ही हुआ। तो आज की जो हिंदी है वो पश्चिमी हिंदी और हमारी पूर्वी हिंदी है, उसका मिला जुला स्वरूप है। देखिए यहाँ और थोड़ा स्पष्ट कर दिया मैंने, ये अपभ्रंश कौन सी है, पैसाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, और सौर श्रेणी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, इन जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इन अपभ्रंशों से हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूं, एक और मेरे पास ये था कि इससे जिससे कि आपको थोड़ी तकलीफ ना हो और चीजों को और आप स्पष्ट तरीके से समझ सकें, इसलिए पीडीएफ भी बना
बनाया था हिंदी भाषा के विकास क्रम के लिए, तो मैं इसमें आपको और थोड़ा स्पष्ट कर दूंगा तो चीजें शायद और स्पष्ट हो जाएंगी आपके दिलो दिमाग में। देखिए ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि भाषा का विकास ऐसे ही होता है, कोई भाषा एक दिन में परिनिष्ठित भाषा नहीं बन जाती है, बल्कि बोली, फिर विभाषा, फिर उपभाषा, फिर भाषा। तो ये तो आपने पढ़ाई है और हमने चर्चा भी की है, अब इस पे हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर क्या हम इस पे कर सकते हैं। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भारतीय भाषाएं, ये विकास क्रम है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बट एनीवे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। हाँ, तो वापस हम लोग जुड़ते हैं। तो भाषा एक नदी की धारा के समान चंचल होती है, ये रुकना नहीं जानती। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे बलपूर्वक, तो उसके बंधन को तोड़ के वो आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में भाषा के पूर्वोक्त गत्यात्मकता और समयानुकूल बदलते रहने की स्वाभाविक प्रकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो इस स्लाइड में मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो संस्कृत से लेकर के आधुनिक आर्य भाषाओं तक का जो सफर है ना, इस पे अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये जो सफर है इसमें आप ये देखेंगे कि भाषा कभी भी एक बंधन में बंध करके नहीं रही है। अगर संस्कृत जो बंधन में बन जाती है वो फिर डेड लैंग्वेज हो जाती है, मृत भाषा हो जाती है ना, तो वो निरंतर प्रवाहमान, वो प्रवाह रुकता नहीं है। क्योंकि अगर रुक जाता तो आज हम संस्कृत बोल रहे होते, संस्कृत में बात कर रहे होते। पहले संस्कृत भी वैदिक संस्कृत से, फिर लौकिक संस्कृत में आई, फिर पाली में आई, प्राकृत में आई, फिर अपभ्रंश में आई, और फिर अब वो हिंदी में आ रही है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं या जो व्याकरण के ज्ञाता है या जो भाषा प्रेमी, वो कहते हैं कि जो भाषा का जो बदलता रूप है वो भी हिंदी के लिए घातक है, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव। कुछ हद तक उनकी बात सही है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। ये एक नेचुरल या एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, शब्दों को ग्रहण करना और भाषा का रूप परिवर्तित होते चलना, ये एक प्रक्रिया है और उसमें ज्यादा हम उसमें इंटरफेयर या उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि भाषा की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो हमेशा बदलते रहने का। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, इनका जो समय है, और ये यहाँ जो है ये भी मैंने आपको स्पष्ट किया। और जो चीजें हैं थोड़ी सी मैं आपको बता दूं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हाँ, पाली के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः ये भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही, और पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई, तब इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई, ठीक है। और इसका काल पहली ईस्वी से पांचवी ईस्वी तक है, किसका? प्राकृत का, है ना। और पाली की विभाषाओं के रूप में प्राकृत की भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी और अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, जिन्हें मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, पैसाची, ब्राचड़ और अर्धमागधी भी कहा गया। तो ये देखिए, ये मैं जो आपको बताया कि पाली जो है इस प्रकार संस्कृत से विकसित हुई और एक लोक भाषा के रूप में इसका विकास हुआ। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के साथ साथ इसका प्रचार प्रसार हुआ, फिर इसने अपना रूप बदल लिया। रूप बदल के ये प्राकृत के रूप में विकसित हो गई, जिसे प्राकृत कहा गया,
और प्राकृत से फिर अपभ्रंशों का विकास हुआ और अपभ्रंशों से फिर आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया और चलिए, तो अब हम इसमें चर्चा यहाँ पे इसको रोकते हैं विषय को, और प्रश्नों के आधार पे हम ये करेंगे कि आपके जो इससे संबंधित यानी संस्कृत से लेकर के अपभ्रंश तक और उसके आगे जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उससे संबंधित आपके मन में जो विचार और जो प्रश्न है आप उसके आधार पे हम इस पर चर्चा करते चलेंगे। तो जो मेरा व्याख्यान है उसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, यहाँ पे इसको समापन करता हूँ, लेकिन प्रश्नोत्तर का क्रम चलेगा। आप के जो भी शंकाएं हैं आप उसको पूछिए, चाहे तो आप चैट में डालिए, चाहे आप अभिषेक जी कोऑर्डिनेट करेंगे, आप जो अपने प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। जी सर, निश्चित होकर विद्यार्थियों, अगर आपके कुछ शंकाएं हैं इस व्याख्यान से संबंधित तो आपसे अनुरोध है कि अपने आप चैटबॉट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा चाहे तो सीधे तौर पर माइक को अनम्यूट करके समक्ष अपने प्रश्न आप रख सकते हैं। संजय विश्वाल जी, आप स्क्रीन प्रेजेंट करें, स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। अगर संजय जी मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो प्रेजेंटिंग ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी विद्यार्थियों, आप सबसे पुनः अनुरोध है कि अगर इस सर के व्याख्यान से करने जो बात करें भाषाओं के विकास के, मुख्य रूप से हिंदी भाषा है आर्य भाषाओं के विकास के क्रम में। सर एक प्रश्न एक विद्यार्थी ने लिखा है कि भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं क्या रही हैं। हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि अच्छा पहले अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपके दिमाग में कोई ऐसे कोई विभ्रम की स्थिति नहीं होगी कि ये भारतीय भाषा क्या है और आर्य भाषा क्या है और आधुनिक आर्य भाषा क्या है और अपभ्रंश क्या है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं थोड़ा दूर कर दूं इसको कि आर्य शब्द क्यों प्रयोग किया गया है ना, भाषाओं के आगे आर्य शब्द क्यों प्रयोग किया गया। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जब आर्य चले थे, है ना, एक जो एक बेसिक कंसेप्ट है कि एक जनसमूह था जिसे आर्य कहा गया और वो जनसमूह मध्य एशिया से निकल करके अलग अलग शाखाओं में विभक्त होकर के यूरोप की ओर बढ़ा। ठीक है, और तीन शाखाएं यूरोप की ओर गई और दो शाखाएं जिनमें से एक शाखा ईरान की ओर चली गई और एक शाखा भारत की ओर आई। ठीक है, और भारत की ओर जो शाखा आई ये अपने साथ जो भाषा लेकर के आई थी वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत भाषा वो लेकर के आई थी और इसी संस्कृत में हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हम जिसे मानते हैं वो है ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे आते हैं, चार चार जो वेद है, फिर उसका उपनिषद और फिर पुराण और फिर ब्राह्मण ग्रंथ और बहुत सारी चीजें जो वैदिक और लौकिक संस्कृत में लिखे गए। तो ये इसीलिए कहा गया कि इस समूह के नाम पर, इस जन समूह के नाम पर इनको इनको कहा गया आर्य। ठीक है, इनकी भाषा, इनका जीवन शैली, इनका खान पान, इनकी चीजें, इनका रहन सहन, ये सब द्रविड़ों से, जो द्रविड़ थे है ना, उनसे अलग था। तो उनकी जो भाषा हुई वो भाषा कौन कहलाई, आर्य भाषा है कहलाई। अब आप प्रश्न पूछ रही हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता क्या क्या है, तो विशेषताएं तो वैसे गिनाए तो आप किस दृष्टि से, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे या साहित्यिक दृष्टि से आप देखेंगे या किसी और दृष्टि से आप अगर पूछ रहे हैं, तो विशेषताएं तो अनेक हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका फैलाव कहाँ से है। अगर ज्योग्राफिकली आप उसको देखें तो उत्तर में आप पाएंगे कि कश्मीर से लेकर के पूर्व में असम तक और इधर पश्चिम में आपका गुजरात से लेकर के इधर पूर्व में असम तक और उत्तर में आपका कश्मीर से लेकर के दक्षिण में आपका गोवा तक, है ना,
यानी मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, ये सारी जो है, ये इनकी जो ओरिजिन है वो संस्कृत है, और ये सारी आधुनिक आर्य भाषाएं, ठीक है। और बाकी इनकी जो विशेषता अगर आप देखेंगे तो और एक आध चीजें इसमें आप जोड़ सकते हैं कि इनकी जो लिपि है ना, इनकी लिपियों लिपि में भी जैसे पंजाबी अलग लिपि में लिखी जाती है, इसमें गुरुमुखी कहते हैं, गुजराती अलग लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है, हिंदी, महाराष्ट्री, मराठी, नेपाली, कोंकणी, ये देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत की भी लिपि है, ये एक लिपि में लिखी जाती है, तो लिपिगत समानता है। और जो थोड़ी सी अलग लिपियां हैं जैसे गुजराती और पंजाबी और बंगला, इनमें भी अगर आप देखेंगे तो इनका विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है ना। तो भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, लिपि का विकास, मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी से होते हुए इनकी लिपियों का विकास हुआ है। तो लिपिगत समानता है, भाषागत समानता है, और एक जो बहुत मूल समानता है, एक बड़ी समानता है उनमें आपस में, और एक विशेषता ये है कि ये सब जो है संस्कृत से इनका विकास हुआ है। यानी जो आप कह लीजिए कि उपसर्ग, परसर्ग, विभक्ति, कारक चिन्ह, वाक्य संरचना, ये सब कुछ मूलतः कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। और शब्दों का जो भंडार है, जो ग्लॉसरी है, वो भी मूलतः संस्कृत से लिया गया है, और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता गया। जैसे उड़िया भाषा और हिंदी भाषा अगर इसको तुलना करें तो उड़िया भी आर्य भाषा है और हिंदी भी आर्य भाषा है, और उड़िया की जो लिपि है वो भी ब्राह्मी से विकसित हुई है, हिंदी की जो लिपि है वो भी देवनागरी से विकसित हुई है। अंतर क्या है, उड़िया भाषा ने इतने ज्यादा अरबी, फारसी और दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण इतने नहीं किए, ज्यादातर शब्द उड़िया में किसके हैं, संस्कृत के ही हैं, जबकि हिंदी में क्या है, मूलतः शब्द हिंदी के हैं, लेकिन उसने दूसरी भाषाओं से भी शब्द बहुत ज्यादा, जैसे अरबी से, फारसी से बहुत सारे शब्द ग्रहण किए हैं। तो ऐसे अगर आप देखें, और दूसरा जो है इनमें साहित्य भी बहुत समृद्ध साहित्य लिखा गया, चाहे वो गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगला हो, है ना। तो साहित्य दृष्टि से समृद्ध है, एक लिपि है ब्राह्मी लिपि, और जननी जो है संस्कृत है। तो आमतौर पर ये कह सकते हैं ये जो आम विशेषता है यही। और कोई प्रश्न? और भी जी सर, और एक दो प्रश्न आए हैं। एक विद्यार्थी पूछते हैं कि अपभ्रंश की भाषागत विशेषताएं क्या रही है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, लक्ष्मी प्रिया मिश्रा जी पूछ रही हैं, अपभ्रंश की भाषागत विशेषताएं क्या है। तो इसको भी अगर बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूं तो देखिए, इसको आप पढ़िए, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ा व्यापक विषय है कि अपभ्रंश। अब मैं तो यहाँ बता दूंगा एक शब्द में कि अपभ्रंश भाषा या अपहट भाषा, लेकिन इस भाषा की विशेषता यानी भाषागत रूप कैसा था, है ना, कि इसमें जो भाषागत रूप था वो संस्कृत से या लौकिक संस्कृत से कैसे अलग था, और आज की जो आधुनिक आर्य भाषा है वो अपभ्रंश से कैसे अलग है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसको जान पाएंगे। फिर भी अगर मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहूँ तो ये था कि इसमें थोड़ा सा मैं एक ये आपको इसकी मैंने अंडरलाइन किया था कुछ विशेषताएं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ आप देख सकते हैं, आप अपने किताब में भी दिया, वो वहीं से मैं ले लिया हूं। आप इसको ये करिए, बल्कि मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभिषेक देखा, बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा कि जरूर एक बार इसको इस पर ध्यान दें, और हो सकता है कि एक शोध का विषय भी बन जाए। इसमें मैंने देखा जो आधुनिक हमारी उड़िया भाषा है ना, जो उड़िया भाषा है, ये उड़िया भाषा और अवहट्ट भाषा में बहुत समानता है,
बहुत समानता है और बहुत सारी चीजें मैंने उसमें एक जैसी देखी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं पढ़ूंगा तो आपको एक बार भी लगेगा कि उड़िया पढ़ रहे। अठवा लग्गा डूंगर ही पहियु रणंतउ जाई, ठीक है। और कुछ शब्द देखिए, अज्जू स्थानवाचक के लिए जाही यानी जहां के लिए जही, रीतिवाचक एवं यूं यानी यहां वहां के लिए एई एवं यूं, अन्य अवस, ठीक है। और ये कुछ ये है, मैं थोड़ा सा इसको पीपीटी में कर नहीं पाया इस बार, अगर मैं पीपीटी बना लेता तो थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से ये करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले किसी कक्षा में ये मैं आपको बताऊं। लेकिन आप इसको एक बार पढ़िएगा, आपकी इसमें जो कोर्स बुक में अपभ्रंश की जो विशेषताएं हैं वो 61 से शुरू होती हैं, 61, 62 और 63 में, पेज 63 में आपको जो विशेषताएं वो दिखाई देंगी। तो लक्ष्मीप्रिया जी, और ये जो अवहट की जो रचनाएं हैं, अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, है ना, और उन रचनाओं को भी अगर आप एकाध रचनाओं को आप पढ़ने का और समझने का प्रयास करें, तो जो जैन साहित्य है, जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य सब अपभ्रंश में लिखा गया है, ठीक है। तो आप उनको पढ़ेंगे एक बार तो आप उनकी कुछ व्याकरणिक विशेषताओं को समझ पाएंगे। इतने शॉर्ट टाइम में इतना एक्सप्लेन करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं अगले क्लास में कुछ ना कुछ आपको विशेषताएं जरूर बताऊंगा अपभ्रंश। जी सर। सर कुछ और प्रश्न है सर, मैं उन्हें पहले आपके समक्ष रख देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे वसुंधरा मेहर जी ने एक प्रश्न लिखा है, पाली काव्य की रचनाओं के बारे में बताइए। हाँ, ये भी जो प्रश्न है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे पाली के बारे में। ये थोड़ा सा पाली के बारे में सुन लीजिए, मैं पहले थोड़ा पढ़ देता हूँ फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पाली साहित्य के क्षेत्र में काव्यों की रचना बहुत कम हुई है। मानव जीवन की व्यापक एवं गहन अनुभूतियों का पहला दर्शन हमें त्रिपिटकों में दिखाई देता है। त्रिपिटक आपने सुना होगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी बड़ा ग्रंथ या रचना मानी जाती है त्रिपिटक। तो त्रिपिटकों में संकलित भगवान तथागत के उच्च ऊंचे विचारों का विश्लेषण किया गया है। यद्यपि उनमें काव्य संबंधी सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन हम उसे काव्य न कहकर काव्यों के उपजीवी पाली काव्यों के जन्मदाता कह सकते हैं। विषय की दृष्टि से पाली में दो प्रकार के काव्यों की रचना हुई है, एक वर्णनात्मक और दूसरा आख्यानात्मक। पहली श्रेणी के काव्य ग्रंथों में कश्यप का अनागत वंश, विक्षु कल्याण, प्रियकृत, तेलकाट गाथा, बुद्ध रक्षित का जिनालंकार, मेघंकर कृत जिन चरित और दूसरी श्रेणी के आख्यान काव्य में प्रथम संस्कर्ता स्थावीर रठ्ठूपाल तथा द्वितीय संस्कर्ता विक्षु वेदेह स्थावीर कृत रसवाहिनी बर्मी राजा बोधोपय यानी बुद्धप्रिय के आग्रह से लिखा गया गद्य ग्रंथ राजाधिराज बिलासिनी के नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पे त्रिपिटक के तीन खंड है, पहला है विनय पिटक, फिर शुद्ध पिटक और एक अभिधम्म पिटक। इसे आप याद रखिए, इसी तीन पिटकों के कारण इसका नाम त्रिपिटक है, ठीक है। तीन पिटक कौन कौन से, पहला विनय पिटक, फिर शुद्ध पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के फिर सात ग्रंथ है जिनमें शुद्ध विमंग, खंडक, परिवार। शुद्ध विमंग के दो खंड है, महाविमंग, भिक्षुनी, खंडक के महाबग, चुल्लबग और तीसरा है परिवार। फिर शुद्ध पिटक के पांच संकलन है, दीघा निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। और अभिधम्म पिटक के सात ग्रंथ है, धम्म, संगणी, विमंग, धातु कथा, उग्गल, पंजति, कथा वस्तु, यमक, पत्थनी, ठीक है। तो ये जो है त्रिपिटक के बारे में है। और उसके बाद एक और उनका हाँ ये तो बाद में पाली का जो व्याकरण है उसकी व्याख्या की गई है। तो बेसिकली जो पाली का जो साहित्य है वो बौद्ध साहित्य है,
बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, जो कि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक और उसके बाद की जो रचनाएं हैं वही मूलतः आपको पाली में दिखाई देंगी। और आप थोड़ा सा इसको विस्तार में आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैंने परिचय दे दिया। ये त्रिपिटक जो है बेसिकली इसी के यही इसका आधार है, पाली पाली भाषा का। और क्या पूछा है अगला? हाँ सर, एक अगला प्रश्न है, रश्मि जी पूछते हैं कि वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है? हाँ, मैंने ये बताया ना, जो वेद लिखे गए वो वैदिक संस्कृत कहलाती है, और उसमें उसका जो भाषाई रूप है वो प्राचीन प्राचीनतम संस्कृत का रूप है, ठीक है, और प्राचीनतम संस्कृत का रूप है और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बाद में उसका थोड़ा सा जो सरलीकृत रूप है उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, और वेदों के बाद के जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं और बाकी का जो साहित्य है, वो सारा कुछ जो है लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। इसको अगर आप भाषाई दृष्टि से देखें तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत थोड़ी सरल है और थोड़ी सी जो लोक भाषा के करीब है। लोक संस्कृत तो फिर भी लोक भाषा से जुड़ नहीं पाई, इसीलिए तो उसका थोड़ा सा उसमें समस्या भी इसीलिए आई, लेकिन फिर भी वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत थोड़ी सरल है, ठीक है। और आप सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो वेद लिखे गए वो वैदिक संस्कृत में, और उसके परवर्ती जितने ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। भाषा और बोली में क्या फर्क है? हाँ, ये तो अभिषेक बता देंगे। अभिषेक आप बात कीजिए इसमें। जी सर, भाषा और बोली में आशीष जी ने जो प्रश्न पूछा है, हर स्कूल की विधा आपके सबको आती है, शुरुआती दौर में हमें भी आती थी। अगर साधारण शब्दों में आशीष जी मैं आपसे कहूँ तो बोली वह है जिसका विस्तार जो है या जिसका जन्म भाषा के अंतर्गत होता है। ये साधारण अपने मानस में बैठाने के लिए, समझ बनाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाषा है, भाषा से निकलती है बोली, आप इतना मानस बैठा लीजिए। उसके बाद अगर आप डिटेल में या साहित्यिक परिचय में, तो भाषा वह है जिसका उदय जो होता है वह एक विस्तार के तौर पर होता है, वह एक विस्तृत भाग है। बोली जो होती है वह संकुचित होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम लोग उड़िया जो बोलते हैं, उड़िया एक भाषा है, ठीक है, लेकिन जब हम बोली की बात करते हैं तो हम लोग ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट में देखते हैं अनेक अनेक छोटी 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 बोलियां वगैरह निकल के आ जाती है। जैसा कई जगह बोल रहा है संबलपुरी हो गया, उत्तरी हो गया, उधर बरगढ़ तरफ की हल्की सी बदल जाती है बोली। अब जाएंगे सुंदरगढ़ की, सुंदरगढ़ की कोई भाषा नहीं है लेकिन वो बोली होती है। यह एक साधारण से फर्क है भाषा और बोली में। विस्तार से तो सर है, तो सर के कहना सही रहेगा, मैं उससे क्या जोड़ू। जी सर, सर अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा सर। नहीं नहीं सही बताया आपने, अच्छा आपने ये बताया कि उसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ दूं। जैसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है, और बोली के लिए जो शब्द है वो है डायलेक्ट, ठीक है। और नाम सही देखिए, बोली यानी जो बोली जाती है ना। और यानी फर्क बेसिकली क्या है कि आपने ये बताया कि एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती हैं, वो एकदम सही है, लेकिन पहले विकास बोली का होता है ना। मतलब जैसे पहले पौधा बनता है बाद में पेड़ बनता है, पहले पेड़ से पौधा नहीं बनता है, या मतलब अंकुरण नहीं होता है, पहले अंकुरण होता है बाद में वो बड़े पेड़ में। तो एक जैसे अभी संबलपुरी है, एक बोली है, ठीक है, बोली के रूप में हम उसमें लेते हैं, लेकिन जब उस बोली में बहुत सारा साहित्य का सृजन शुरू हो जाए, ठीक है, तब साहित्यिक रूप उसका परिनिष्ठित हो जाए, यानी स्टैंडर्ड रूप फिक्स हो जाए कि भाई ये इसका साहित्यिक रूप है। फिर उसमें कुछ व्याकरण ग्रंथ लिखे जाएं कि भाई ये अब जो लिखे जाने शुरू हो गए कि संबलपुरी का ये व्याकरण है ना, तो उसका व्याकरण स्थिर हो जाए, उसका जो परिनिष्ठित रूप है वो स्थिर हो जाए, तो क्या होता है फिर उसमें वो बोली से विभाषा के क्रम में आगे बढ़ती है। बोली से विभाषा, और विभाषा से फिर उपभाषा, और उपभाषा से फिर वो भाषा बन जाती है। जैसे आज हम कहें कि उड़िया जो है वो एक भाषा है, क्योंकि साहित्यिक रूप उसका फिक्स्ड है, व्याकरणिक रूप उसका मानक है, तय किया कर दिया गया है, साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, भाषा बहुत प्राचीन है ना, लिपि उसकी स्थिर है, बनाई गई है, तो अब वो ये है। लेकिन अब संबलपुरी जो है एक बोली से
बोली से हम कह सकते हैं बोली से विभाषा की ओर अग्रसर है, और हो सकता है कि साल एक सौ सवा सौ साल के अंदर हो फिर उपभाषा के क्रम को तोड़ते हुए फिर वो एक भाषा बन जाए, अपने आप में एक भाषा के रूप में वो उसको मान्यता मिल जाए। तो ये फर्क है, पहले विभाषा आती है फिर विभाषा से भाषा का विकास, सॉरी बोली से फिर भाषा का विकास होता है। असित प्राणी पाणिग्राही का एक सवाल जो है, ये शोध का विषय है, मैंने आपको ये विषय दे दिया, आप इस पर शोध कीजिए कि ओडिया और अपभ्रंश भाषा में किस प्रकार का संबंध है। शुरुआत आप ऐसे कीजिए, कुछ अपभ्रंश की रचनाएं लीजिए और रचनाओं को पढ़िए और उसका अर्थ को समझ के देखिए, तो आपको लगेगा कि ये जो भाषा है और इसके शब्द जो है, बहुत सारे शब्द और इसका जो भाषा रूप है वो उड़िया से मिलता है ना, और अगर मिलता है तो किस रूप में मिलता है और उसमें क्या ऐतिहासिक संबंध है, ये आप थोड़ा सा इस पर आप शोध कीजिए। और प्रीति शर्मा, ईशा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था, ये मैंने सुना था लेकिन अभी भूल गई, कृपया दोहराए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं भी कि मैंने दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ और थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ प्रीति जी का प्रश्न। ये देखिए, ये कहाँ पे आता है ये क्रम, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपने अपभ्रंश के बारे में पूछा है ना, तो ये अपभ्रंश का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से अगर आप देखेंगे तो हिंदी या जो आधुनिक आर्य भाषा है वो शुरू हो जाती है, यानी जो हमारी प्राचीन आदिकालीन जो रचनाएं है ना उसकी शुरुआत 1000 ईस्वी के आसपास हो जाती है ना, तो ये वो समय है जब ये स्विच कर रहा था अपभ्रंश से हिंदी में। अच्छा, यहाँ पे एक और परिकल्पना की है, एक और भाषा रूप की, उसको अवहट्ट कहा है, अवहट्ट, ठीक है, और उसका समय 1000 ईस्वी से वही 1200-1300 ईस्वी रखा गया है, और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो अवहट्ट को अलग से एक भाषा नहीं मान के उसको पुरानी हिंदी कहते हैं, पुरानी हिंदी, यानी ये जो 1000 ईस्वी से 1200-1300 ईस्वी तक का जो समय है ये जो पुरानी हिंदी का समय माना गया है, और इसको अवहट्ट, कुछ विद्वान इसको अवहट्ट भी मानते हैं, एक अवहट्ट करके एक अलग भाषा का रूप था करके उसको मानते हैं, तो ये वो समय है अपभ्रंश का, और उसके बाद ये समय है हिंदी के विकास का, 1000 ईस्वी से 1200-1300 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी तक जो आदिकाल का जो समय था उस समय आदिकालीन रचनाएं हुई, और उसके बाद फिर रीतिकाल आ गया, और उसके बाद फिर हमारा रीतिकाल के बाद आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, और फिर आधुनिक काल आया और उसकी रचनाएं लिखी गई, इसके समय। तो ये शायद मुझे लगता है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था, नहीं लोक भाषा के अर्थ में नहीं, बल्कि अपभ्रंश का मतलब क्या है, अपभ्रंश ही लोक भाषा थी, ठीक है, उससे पहले जो पाली, आप ये कह लीजिए कि पाली तक जो भाषा थी वो पूरी तरीके से लोक जीवन से जुड़ी नहीं थी पाली तक, ठीक है, वो धार्मिक ग्रंथों तक सीमित थी, लेकिन उसका जब प्राकृत आ गया और प्राकृत के बाद जब अपभ्रंश आ गया, इस यहाँ पे भाषा जो है आम जन से जुड़नी वो शुरू हो गई, और उसको हम लोक भाषा ही कह सकते। और कोई प्रश्न हो तो आप? नहीं सर, विद्यार्थियों के और तो कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं अंत में विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, इसके इतर भी अगर आपके कुछ मन में दुविधा रह गई है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके भी सर के समक्ष सीधे तौर पर अपने प्रश्न शंका रख सकते हैं। हाँ, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो आप ऑन कर लीजिए माइक और पूछ लीजिए कोई भी प्रश्न हो। मुझे लगता है कि शायद प्रश्न अब नहीं है तो जी सर, एक अंतिम, एक
वहट और पुरानी हिंदी एक ही भाषा है या अलग है? हाँ, ये जो है ना, ये प्रीति जी आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि ये कैसा है, इसमें क्या है, थोड़ा सा जो भाषा वैज्ञानिक है उनमें मतभेद है। जैसा अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है, लेकिन बाकी जो भाषा वैज्ञानिक है वो उसको अवहट्ट के रूप में एक अलग भाषा का दर्जा इसको देना चाहता है। मतलब एक बहुत व्यापक और विस्तृत भाषा तो नहीं थी, एक छोटी सी कड़ी थी अपभ्रंश और हमारी हिंदी के बीच में जुड़ने के लिए। तो बेसिकली इसको मतलब एक भाषा का दर्जा दिया तो गया है, लेकिन इसका स्वरूप बहुत व्यापक नहीं है। लेकिन एक दो विद्वानों ने, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, इनको इसको पुरानी हिंदी कहा है। अब ये तो आप अगर इसको ये देखें तो अलग भाषा है या नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है और इसमें थोड़े से मतभेद है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अवहट्ट करके एक भाषा का रूप था, ठीक है, आप उसे पुरानी हिंदी भी कह लीजिए या आप अवहट्ट भी कह लीजिए, है ना जी। सर सर इसके तरह विद्यार्थियों को प्रश्न नहीं है तो आप इस कक्षा को सर समापन की ओर लेकर जाते हैं। कुछ प्रश्न रह दिया है तो आप मुझ तक भी अपने प्रश्न संप्रेषित कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न निश्चित तौर पर सर तक संप्रेषित करने का कार्य कर दूंगा, उसको फिर भी मैं सर से आप तक पहुंचाने का कार्य कर दूंगा, उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहे। तो सर फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। सर ठीक है मैं विद्यार्थियों से सभी से एक बार और अनुरोध करूंगा कि आप इसको एक बार, आपका जो ये कोर्स का बुक है इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी मुझे इसमें इसलिए आ रही थी कि ये जो विषय है ना, इसको एक पीपीटी में समेटना थोड़ा सा सब मुश्किल लगा और थोड़ा सा मुझे समय भी कम था, तो फिर भी मैंने इसको एक पीपीटी में ढाल के ये किया, मैं आपको मेल भी कर दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। आपकी जो शंकाएं, जैसे प्रीति जी ने कहीं लिखा है कि कुछ छूट गया था या सुन नहीं पाए, तो आप पीपीटी देख करके आप उसको ये कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और जहाँ पे आपको कोई शंका हो, जैसे आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी एक है या अलग है, या फिर अपभ्रंश और उड़िया का क्या संबंध है, इस तरीके के जो कोई और प्रश्न या कोई शंका हो तो आप अगली क्लास में ले आइए, तो उसको हम और स्पष्ट कर देंगे। थोड़ा सा आपका मतलब कोई कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन आपको इसको जो पाठ्य पुस्तक है इसको आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आप पाली का जो रूप है ना, पाली भाषा का रूप कैसा है, उसके बाद अपभ्रंश में वो क्या परिवर्तन आया, प्राकृत में क्या परिवर्तन आया, वैदिक से लौकिक संस्कृत में आते आते भाषा में क्या परिवर्तन आए, ये तो आपको क्या है, खुद आप पढ़ेंगे तभी आप उस अंतर को बड़ी गहराई से समझ पाएंगे। हाँ, वहां पे अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है या कुछ अस्पष्ट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तब आप उसको लेके आ जाइए, तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि सार्थक रही होगी आज की कक्षा, और सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करेंगे फिर अगली क्लास में हम मुलाकात कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, आगामी सप्ताह हम लोग निश्चित तौर पर मिलेंगे। मैंने शेड्यूल वगैरह भी किया है, हमारे शेड्यूल में नाम रखा है, अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा सर। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। इसी तरह सर आपका आना मेरे लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक रहता है, तो आपको हृदय से बहुत आभार विद्यार्थी की ओर से और मेरे ओर से भी कि आपने अपना समय निकाला, छुट्टी के दिन वो भी, आज तो छुट्टी भी है, घर में सेकेंड हाफ का आराम करने का समय है, उस समय भी मैंने आपका समय लिया और आपको निश्चित रूप से समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे तकनीकी सहयोगी निवासी सर का आज बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार शुरुआत से जुड़े हुए निवासी जी का हृदय से बहुत आभार, निरंतर हमारी कक्षा में अपना सहयोग देते हैं। सर पुनः एक बार सर धन्यवाद, आप सर अपनी ओर से कक्षा को सर समाप्त कर सकते हैं और फोन काट सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। प्रिय विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का इसी तरह अपना समय देने के लिए, कक्षाओं को से लाभ लेने के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। अंत में यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपनों का ध्यान रहे और घर पर रहकर खूब पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसके इतर भी आपके अगर इस विषय से या किसी हिंदी साहित्य किन्हीं भी विषय से आपको
कभी मन में शंका द्वंद रहे तो आप अपने प्रश्न मुझसे संप्रेषित कर सकते हैं, मैं उन प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर मुझसे कहीं कुछ कमी रह जाएगी तो मैं किसी विषय विशेषज्ञ से संपर्क करके आपके प्रश्नों का उचित उत्तर आप तक संप्रेषित करने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आशीष सर। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग का मुझे अरे ऑफ करी छू, आपन को मेल कर देबे सर। सर मत पलैस।